बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की पुनः फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पिछले 3 दिनों के केसेस बताए गए हैं कोरोना वायरस के, और बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात है। पिछले 3 दिनों में जो केसेस की तादाद है उसके अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल शाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर पिछले 3 दिनों में 1059 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 1059 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर 1,43,955 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 823 पर्सन की रिकवरी हुई है, और ये 823 पर्सन की रिकवरी मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर 1,34,314 पर्सन की रिकवरी हो गई है। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक पिछले 3 दिनों में सल्तनत के अंदर 8 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और ये 8 मजीद डेथ्स मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर 1,591 पर्सन की जो है डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हकीकतन जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है वो ओमान के अंदर बढ़ रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत है हर सिटीजन और रेजिडेंट्स के ऊपर, वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करके रखें ताकि ये जो केसेज हैं ओमान के अंदर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँ। अपने आप को इस वायरस से बचाएँ और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएँ। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोविड-19 के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।